हेलो गाइस, दिस इज अभिजीत चौधरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज गाइस है सैटरडे, यानी कि कल है संडे। और कल मैं जाऊंगा नखास विजिट करने, जहां से मेरे को रैन फिश लेके आनी है। और मैं 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा वहां पे, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो किसी सब्सक्राइबर को अगर आना हो तो आ जाना, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि भाई मैं आया था, आपका वेट कर रहा था, बट आप आए नहीं थे। एक्चुअली मैं गया था, बट हुआ क्या, थोड़ा टाइमिंग मिस मैच हो गया, तो इसलिए तो लोग मिल नहीं पाए। तो मिलेंगे कल, ठीक है? कल मैं कल के लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल प्रॉपर ब्लॉग आएगा। बाकी चलो, तुम लोग को आज का अपडेट दे देता हूँ। तो कल वाले ब्लॉग में गाइस, जैसे कि देखा था कि हमने इस दोनों पॉन्ड को सेटअप कर दिया था, और वाटर पूरा एकदम अच्छे से साफ हो चुका है। देख सकते हो, कल पूरा गंदा दिख रहा था, अभी पूरा सेटल हो चुका है वाटर इस टैंक का। एंड गाइस, आज हम लोग इस पॉन्ड को अच्छे से वॉश करके, जो थोड़ा बहुत उखड़ा हुआ दिख रहा है सीमेंट, वो सब निकाल देंगे, और ढंग से इसको वॉश करके इसमें वाटर फिल करेंगे, इसको सही जगह पर लगा के। बाकी ये रहा गाइस हमारे जैपनीज कोई काप का फिश पॉन्ड। अभी इन लोग को फीड नहीं करवाया, तो आज इन लोग को फीडिंग अभी कराएंगे, ठीक है? और इधर हमारे टर्टल्स जो कि सनलाइट ले रहे हैं, ये देख सकते हो। एंड सनलाइट का मैं तुम लोग को एकदम काफ़ी अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। ये हमारा टर्टल काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव था, जैसे कि तुम लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। बट इसको मैंने मतलब 1 वीक से, अब तो ज़्यादा हो गया कंटिन्यूसली सनलाइट दिखाते हुए, कितना ज़्यादा एक्टिव हो गया देख सकते हो। ये है भाई सनलाइट का कमाल। तो टर्टल्स को डेली भाई 2 घंटे की सुबह वाली धूप बहुत ज़रूरी है, दिखा देना। ये देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, लेकिन हमेशा वाटर रख के दिखाना। देख सकते हो, मैं जैसे थोड़ा सा वाटर दे रखा, नहीं तो ये हीट स्ट्रोक के कारण इनकी डेथ भी हो सकती है। और अभी चलो मैं इनको पहले फीड डाल देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा भूखे लग रहे हैं मुझे। तो ये रहा गाइस इनका फीड, चलो डाल देते हैं। और ये देखो अभी लोग खाना स्टार्ट कर देंगे, ये देखो हमारे टर्टल्स। तो यही होता है भाई, जब ये लोग सेटल हो जाते हैं ना, तो इनके सामने खड़े रहो तो भी आराम से फीड कर लेते, डरते नहीं। देखो कैसे मस्त फीड खा रहे हैं। तो चलो इनको एंजॉय करने देते हैं, और अभी हम लोग जल्दी से अपना काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप और गर्मी भी हो रही है भाई। मैं अपने जैपनीज कोई कार्प को लास्ट में फीड करूंगा, पहले तो मैं अपना सारा काम निपटा लेता हूँ। ये रहा गाइस हमारे गप्पी फिश के फ्राइज का पॉन्ड। इसमें प्लेटिनम डम्बो ईयर गप्पी के फ्राइज़ है, और इसमें सेंटा क्लॉज गप्पी के फ्राइज़ है, जिनको मैंने बिल्कुल फीड नहीं दिया है 1 हफ्ते से। इसमें ये लोग एलगे खा के रह रहे हैं, और अब से मैं इनका फीडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी इन लोग को मैं गप्पीज के जो पैलेट्स आते हैं, या फिर कोई सा भी फूड का जो फिश फूड होता है, उसके पैलेट्स को क्रश करके खिलाऊंगा 3-4 टाइम्स, ताकि इनका अच्छा ग्रोथ आ पाए। और ये टैंक कल सेटअप किया था मैंने, जिसमें गप्पी के फ्राइज़ में रखूँगा, और जब गप्पी जब बच्चे दे देगी तब। तो चलो पहले तो मैं अपना फिश पॉन्ड को ठीक कर देता हूँ, मतलब वॉश करके, उसके बाद उसमें उसको सही जगह पे सेटल कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाइस मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, और जहाँ पे मुझको रखना था इसको वहाँ पे सेटल कर दिया है। देख सकते हो इधर भी स्पेस खाली है, तो यहाँ पे मैं और थर्माकोल बॉक्सेस लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। बाकी जो टब्स आएगा वो इसके नीचे रख दूंगा। तो चलो जल्दी से अभी इसमें के अंदर वाटर फिल कर लेते हैं। गाइस फिश टैंक तो रेडी हो चुका था, एंड मैंने प्लांट भी रेडी कर दिया था, बट देख सकते हो प्रॉब्लम क्या हो गई भाई। यहाँ पे एक होल था, ये एमसील निकल आया यहाँ से, तो यहाँ से भाई कितनी तेज़ी से पानी गिर रहा है। तो अभी देखो पूरा नीचे हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे से पानी चला जाएगा, तब जाके फिर मैं काम करूँगा, मैं एमसील लेके आऊँगा, फिर लगा दूँगा इसमें। बाकी अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं भाई, पानी वेस्ट हो गया यार हमारा। बाकी ये सब रेडी है, और चलो पहले तो मैं अपने जापनीज को एक आपको फीड कर दे रहा हूँ यार। एंड गाइस तुम लोग को एक और गजब की चीज़ दिखाता हूँ। ये देख सकते हो हमारे अंगूर का पेड़ है, जो कि इतना छोटा सा था, लेकिन इसमें देख सकते हो फ्रूट आया हुआ है। देखो ग्रेप्स हैं छोटे छोटे से, मैंने फर्स्ट टाइम देखा भाई अभी इतने पहले, मतलब इसमें अभी पहली बार आया है ऐसे इसमें। तो इसको चलो छेड़ते नहीं, यहाँ से हट जाते हैं पहले अपने घर। अभी देखो तुरंत आ जाएंगे सब खाने। चलो इनको इन्जॉय करने देते हैं, और अभी हमारे टर्टल धूप सेक चुके हैं अच्छे से, देख सकते हो तभी कम सो रहे हैं। चलो इनको लेके चलें। तो गाइस शाम को अभी मैं जाऊंगा, तब लेके आ जाऊंगा यहाँ पे जिसमें लगाना है मुझे एमसील। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी चलते हैं नीचे। तो अभी गाइस मैं एमसील ले आया हूँ, और अभी चलते हैं इसको अप्लाई कर देते हैं हमारे फिश पॉन्ड में। सो गाइस मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है एमसील को, और ये अच्छे से इसमें चिपक नहीं रहा था, तो मैंने प्लास्टिक का प्लेट यूं करके लगा दिया है। अब सूखने के बाद मैं प्लास्टिक की प्लेट को नहीं निकालूंगा, वरना वो पूरा छेद टूट जाएगा वहाँ से, ठीक है? तो फिर पानी वापस गिरने लगेगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा। बाकी बस यही अब आज का अपडेट था, मिलते हैं कल संडे वाले ब्लॉग के साथ। काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कल के ब्लॉग के लिए। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।